ओके okay. नाउ अभी हमने करना है जो लैंग्वेज का एक पार्ट है कि यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बड़ा कंफ्यूज आप लोग अक्सर होते हैं इसमें सो so, मैंने सोचा कि इसके बहुत सारे सेंटेंसेस अब एक दो पढ़ के देख लेते हैं आपको फिर इंशाल्लाह याद रहेगा कि जी कब हमने सिंस यूज़ करना होता है और कब हमने फॉर यूज़ करना होता है पहला अभी जुमला देखें आई डैश स्टडी फॉर थ्री आवर्स ठीक है जी अच्छा ये क्या है आई क्या होगा आई सोचें सोचें आई इसका होगा आई हैव स्टडीड फॉर थ्री आवर्स ठीक है सारा डैश वेट फॉर हर फ्रेंड्स सिंस फाइव पी एम सारा हैज़ बिन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स जब हैज बिन होगा तो सिंस हो जाएगा ठीक है फिर आप आ जाते हैं वी डैश प्ले टेनिस फॉर एन आवर ठीक है तो इसका क्या बनेगा वी हैव बिन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर ही डैश वर्क इन द कंपनी सिंस टू थाउंड फाइव ही हैज़ बिन वर्किंग ठीक है माई सिस्टर डैश स्टडी स्पेनिश फॉर सिक्स मंथ्स माई जना फिर उसके बाद आ गया द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क सिंस मॉर्निंग ठीक है चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग ठीक है फिर उसके साथ आएगा टॉम डैश रन फॉर एन आवर क्या है आई हैव हैिन लिविंग इन द सिटी फॉर फाइव ईयर आ गया फिर उसके बाद इसका क्या हो टॉम has been running uske baad, we dash be friends, we has uh, we have been friends since childhood. Uske baad, the company Dash produce cars for company has been or he has lived he has been living in his new house since last year. That Yemeni I present perfect and smakernai Piraskubad I am um, आई हैव बिन राइटिंग द रिपोर्ट फॉर थ्री ईयर्स ये आप इन जुमलों को सिम्पली पढ़ भी लेना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी दे हैव बिन इन लव सिंस हाई स्कूल जॉन हेज बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर फाइव ईयर्स माई पेरेंट्स हैव बिन ट्रेवलिंग फॉर अ मंथ शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ वीक वी हैव नोन ईच एदर सिंस कॉलेज द स्टूडेंट्स हैव बिन स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स ही हैज़ बिन प्लेइंग द गिटार फॉर टेन ईयर्स ठीक है जी ये भी इस तरह ये वाला ट्वेंटी थर्ड का क्या होगा कि दे हैव बिन मैरिड सिंस ट्वेंटी टू थाउजेंड टेन आई हैव बिन कुकिंग फॉर एन आवर शी हैज़ बिन वॉचिंग टी वी फॉर टू आवर्स ये इनके जो लेफ्ट राइट वाले के थे राइट वाले इसके हमने मैंने कर दिए ताकि आपको एक दफ़ा इनको पहले फिलहि दी ब्लैंक्स को पढ़ें और फिर जो इसका सोल्यूशन है वो पढ़ें तो इन श्ला ये आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है जी आगे चलते हैं हम अब हम क्या करना है हमने कि सिंस is since is used to indicate many have examples in the explain karta hon, since kab use hota. since is used to indicate the duration of time an action has been going on. on. and a specific point for time when an action started. सिंस उस वक्त यूज़ होता है जब ख़ास टाइम उसका हमें पता चले वहाँ उस वक्त से हो रहा है या कब कितने अरसे से हमें पता चले कि कितने अरसे से हो रहा है या हमें पता चले कि बोथ ए एंड बी यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हमें पता चल रही हो और स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तब भी हम सिंस यूज़ करते हैं ठीक है या हम नन ऑफ दी अबव के लिए करते हैं क्या हमारा कौन सा इसमें जो है ना ट्रू कौन सा वाला है ठीक है हमने देखना है कि ट्रू ये इसमें से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा ट्रू है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट ए टाइम फॉर एन एक्शन स्टार्टेड बोध एंड बी नन ऑफ द अबव इसका क्या है सोल्यूशन सोल्यूशन है बी ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम वन एन एक्शन स्टार्टेड ठीक है सिंस उस के लिए इस्तेमाल होता है जब हमें कोई ख़ास पॉइंट पता हो कि कोई काम या कोई चीज़ किसी किस खास वक्त से स्टार्ट हुई है स्पेसिफिक जो है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं सिंस आप आई होप समझ आ रही मैं तेज तो नहीं जा रहा मैं तेज़ असल में इसलिए जा रहा हूँ फिर आप लोग घबरा जाते हैं कि लंबी लेक्चर हो गया मैं चलो अभी थोड़ा सा आहिस्ता थोड़ा सा करके आ, करते हैं अब हम यूज़ करते हैं अब एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर इज़ यूज टू इंडिकेट क्या क्या चॉइसेस हैं जिस तरह इसमें चॉइसेस थी अब देखते हैं क्या है ए है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन या स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम वेन एन एक्शन स्टार्टेड और बोथ ए एंड बी या न किस काम के लिए इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होता है यह होता है जी हमारा द ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी खास कहते हैं इतने दिन से इतने दिन तक किया है तो फॉर आप कहेंगे मगर आप कहेंगे जी उस दिन से मैंने किया तो आप क्या कहेंगे सेंस ठीक है जी सो so, ये अब आपको आई होप क्लियर हो गया फॉर और सिंस जो है ना इसको अब आते हैं विच सेंटेंस यूजेज सिंस करेक्टली अब देखते हैं कि जी ए है आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर फाइव ईयर्स ही हैज बिन प्लेइंग द गिटार सिंस फाइव ईयर्स और क्या कौन सा वाला इसमें सिंस किसमें सही यूज हुआ है शी हैजिन स्टडिंग स्पेनिश फॉर लास्ट ईयर और दे हैव बिन मैरिड फॉर टू थाउजेंड टेन इसमें सिंस कहाँ पर सही वाला यूज हुआ ये सोल्यूशन क्या है जी डी दे हैव बिन मैरिड ये ठीक है मैंने किया है कि नहीं किया ठीक ये नहीं ये ठीक नहीं है भाई ये गलत है सिंस तो हमने स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आता है ना ठीक है जी तो ये तो गलत है आपको यही तो मैं देखना चाहता था कि आप लोग इसको ठीक समझते हैं कि गलत समझते हैं इसमें से हमने ए, सिंस करना चाहिए था दे हैव बिन मैरिड ठीक है ये हमने कौन सा वाला इसमें सिंस, सिंस जो है ना कौन सा इसमें सिंस तो इसमें यूज भी नहीं हुआ डी में ठीक है तो शी हैज़ बिन स्टडिंग स्पेनिश फॉर लास्ट ईयर शी ही हैज़ बिन प्लेइंग द गिटार सिंस फाइव ईयर्स ये ठीक था आपका ये ठीक हो सकता था ठीक है सो so ये वाला ठीक नहीं है ठीक है ये आपने ज़ेन में मैं आपको जान के गलत कराया था मैंने कहा देखता हूँ आप लोग जहनी तौर पे हैं भी कि नहीं अलर्ट हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है ये गलत है ठीक है दिस इज़ रॉन्ग ठीक है विच सेंटेंस यूज फॉर करेक्टली देखें इसमें कौन कौन से सेंटेंसेज हैं आई वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस फाइव पी एम आई हैव बिन लिविंग इन हिज न्यू हाउस सिंस लास्ट ईयर दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस टू डेज और शी हैज बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट फॉर अ वीक यहां पर कौन सा वाला होगा सोल्यूशन है डी ये देखें ना यहां पर ठीक हुआ है ठीक है अब अगर सिंस तब होता है जब एग्जैक्ट किसी टाइम पे होता है यहाँ पर हमने यूज़ यही करना कि जी हमने फ़ॉर कहां पर यूज़ हुआ है फॉर इधर यूज़ हुआ है ठीक है ये वाला गलत था फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये देखिए गलत हुआ हुआ था यहां पर तो सिंस था ही नहीं इस जुमले में हमने तो ये वाला डी सेलेक्ट कर लिया लिहाजा गलत था ठीक है अब हम आते हैं आगे सिंस एंड फॉर कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली इन देंट परफेक्टेंस ट्रू है या फॉल्स है ठीक है. है जी सोल्यूशन क्या है ट्रू है सिंस और फॉर जो है इनको आपस में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के मैनी अलग अलग है ठीक है अब आते हैं विच सेंटेंस यूजेज फॉर करेक्टली ए जो है क्या है आई हैव बिन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस फाइव पी एम

ठीक है अभी ये आपको इसका सिर्फ मैं थोड़ा सा दिमाग का ट्विस्टर से दे रहा हूँ ये आपको इनशाला अगर आप ये करते रहेंगे ना अच्छा सोचेंगे करेंगे, करेंगे। फिर आप ही खुद ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ठीक है अब हम आते हैं सिंस इज यूज विद द प्रेजेंट टेंस टू इंडिकेट क्या है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एन एक्शन हैज़ बिन टेकिंग बिन गोइंग ऑन और स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम वेन एन एक्शन स्टार्टेड और क्या होता है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दब देखें पहले भी मैंने आपसे पूछा है अब बताएं क्या है इसका यह क्या है स्पेसिफिक पॉइंट ठीक है जी बी यानी कि अस्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम वेन एन एक्शन स्टार्टेड ठीक है जी फॉर इज यूज विथ दी प्रेजेंट परफेक्टेंस टू इंडिकेट क्या है जी द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम एंड एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन या अस्पेसिफिक पॉइंट ठीक है या बोथ या नन देखें फॉर क्या है ड्यूरेशन के लिए ठीक है तो सो आंसर क्या होगा ए ठीक है जी ओके okay. अब हम देखते हैं जी विच सेंटेंस यूजेज सिंस करेक्टली ये देखें दे हैव बिन ट्रेवलिंग फॉर टू डेज शी हेज़ बिन वर्किंग ऑनअर प्रोजेक्ट फॉर अ वीक एंड दे हैव बिन प्लेइंग गिटार सिंस टेन टेन ईयर्स और आई हैव बिन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स सिंस फाइव पी एम ये कौन सा होगा डी ठीक है ना डी हमारा करेक्ट है क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होता है ठीक हो गया जी और फिर उसके बाद विच सेंटेंस यूज फॉर इसमें भी उसी तरह जैसे आपने देखें फॉर वाला कौन सा है सोल्यूशन इसमें सी है कि शी हैज़ बिन वॉचिंग टी वी फॉर ठीक है ये मैं आपको थोड़ा सा दिमाग के घुमाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आप सिंस और फॉर को ये समझ जाए ठीक है अब हम आते हैं हाँ इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने विच सेंटेंस यूज सेंस करेक्टली यू हैव फ्रेंड्स फॉर चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड हुड जी तो अभी इसमें से इस क्वेश्चन में पढ़े ना आपके देखें करेक्टली किस में यूज हुआ है ठीक है किस में यूज हुआ है आंसर क्या होगा भाई सी ही हैज बिन लिविंग इन द सिटी सिंस 2010 ठीक है ये सिंस कैन बी यूज विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये ट्रू है या फॉल्स है ठीक है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है या स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए सो दिस इज फॉल्स सिंस इज यूज विद स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम नॉट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसकी वजह है। ये ठीक है जी विच सेंटेंस यूज सिंस करेक्टली द स्टूडेंट्स हैव बिन स्टडिंग फॉर द एग्जाम सिंस ए वीक ही इज़ बिन वर्किंग फॉर हिज कंपनी सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन ये देखो मुझे लग रहा है कि ये वाला ठीक होगा बाकी खैर पढ़ते हैं वी हैव बिन प्लेइंग सॉकर फॉर एन आवर शी इज़ बिन रीडिंग द बुक फॉर हाँ यही मेरे ख्याल से आता है बी बी है देखें ना सोल्यूशन ही हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015 ठीक है स्पेसिफिक जब होगा खास डेट होगी तो सिंस हो जाएगा जब ड्यूरेशन है कोई कोई किसी चीज़ की ड्यूरेशन है कि दुरानियाँ है तो सिर्फ उसके लिए फॉर होगा फिर अगला आ जाता है जी ये वाला कि शी इज़ बिन स्टडिंग फ्रेंच सिंस थ्री ईयर्स ठीक है आई हैव बिन लिविंग इन द सिटी फॉर फाइव ईयर्स द चिल्ड्रेन हैव बिन प्लेइंग इन दार्क सिंस मॉर्निंग इसका आंसोल्यूशन क्या है सी आई हैव बिन लिविंग इन द सिटी फॉर फाइव ईयर्स ठीक है जी क्योंकि ड्यूरेशन है फाइव इयर्स इज़ ए ड्यूरेशन स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि अगर होता है सेंस फलाने ईयर से तो फिर ठीक हो जाए या सिंस किस वक्त से एक वक्त दिया हुआ था तो सिंस होता अगर ड्यूरेशन है तीन घंटे से या दस सालों से तो वो क्या होगा फॉर वहाँ पर ही होगा फॉर इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और नहीं नहीं ये गलत है ये फॉल्स है जी ठीक है ये देखें ये बताया हुआ ना कि फॉल्स है फॉर इज़ यूज़ टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वे सेंटेंस यूज इस सेंस करेक्टली दे हैव बिन ट्रेवलिंग सिंस अ मंथ आई है बिन वर्किंग आई है बिन कुकिंग फॉर एन आवर शी इज़ बिन वेटिंग फॉर अब सेंस ये वाला ठीक लगता है क्योंकि थ्री पी एम वाला है ना ये देखें वाकई यही है भाई सोल्यूशन इसका कि टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है तो सेंस वाला है ठीक है जी विच सेंटेंस यूज फॉर करेक्टली यहाँ पर इसमें से कौन सा वाला है इसका आंसर सी है जी दे हैव बिन रनिंग फॉर अन आवर ठीक है क्योंकि एक्जैक्टली exactly नहीं एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि सिंस अगर होता है दे हैव बिन रनिंग सिंस टू ओ क्लाक या सिंस थर्टीत जनवरी तो वो सिंस उसके साथ होता है ये अभी अनावर है कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए हम इसको फॉर यूज़ कर रहे हैं सिंस कैन बी यूज वि पास्ट परफेक्ट एंड ट्रू है या फॉल्स है ट्रू है जी ये भी सेंस को पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं विच सेंटेंस यूज करेक्टली इसमें से इसका जवाब क्या है सी के शी हैज बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस फाइव ईयर्स नहीं ये भी गलत है भाई देखिए सिंस का जगह आपको फॉर शी इज टीचिंग इंग्लिश फॉर फाइव ईयर्स क्योंकि सिंस तब होता कि अगर एग्जैक्ट डेट होती मैं कई जान के बीच में गलत लगा रहा हूं ताकि आप पढ़ते पढ़ते ओ हाँ ये तो गलत लिखा हुआ भाई ये ठीक है ना जी तो आपने जेन में रखनी है अच्छा जी तो सॉरी फिर ये मैं आपको बताया था यहाँ पर भी देखें ना ये सेंस गलत किया हुआ है ये आपने याद रखना है अभी अच्छा यानी यहाँ पर फॉर कहाँ पर करेक्टली यूज हुआ हुआ है ठीक है ये हम देखते हैं कि तो शी इज बिन वे वॉचिंग टी वी सेंस टू आवर्स वी लास्ट वीक आई हैव बिन वर्क वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स सिंस फाइव ओ क्लाक और uh, ये सब कौन कौन सा हो सकता है बी वी एव बिन ट्रेवलिंग सिंस लास्ट वीक नहीं भाई ये भी गलत है यहाँ पर ठीक है सो so ये आपको जेहन में रखना चाहिए कि फार जो है अब इस, इसको समझेंगे सारा आप भूल जाएंगे क्या कि कहीं कि पर लिखा हुआ था कुछ फार जो है वहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो होगा और सिंस जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए होगा ठीक है ना जी ये मैंने जान के आपको कुछ गलत करके दिखाएं ताकि आप लोगों को वो कहें नहीं नहीं, नहीं भी ये तो गलत है अपने आप को चेक करना भी सीखें ठीक है ना जी ओके अल्लाह हाफिज ये भी अब देख लें अगर आप अगर आप देखना चाहें इसके भी मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दे देता हूं ठीक है ये देखें 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 यहाँ पर अब देख लें कि यहाँ पर पहले वाले में जो है ना ए स्पेसिफिक पॉइंट फिर मैंने वही वाला दोबारा आपको दोहराया है सेंस जो है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होगा फॉर जो होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा ये आपने मोटी सी बात याद रखनी है ये मैं आपको ये वाले नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ तो आपने याद रखना है कि सिंस जो है स्पेसिफिक टाइम जो है कुछ साल का जो तारीख लिखी हुई हो या वक्त एग्जैक्ट लिखा हुआ हो तो फिर तो आप यूज़ करेंगे कौन सा सेंस और फॉर किसके लिए ड्यूरेशन है कि तीन घंटे से चार घंटे से पाँच दिनों से मैं दो सालों से ये क्या होगा इसमें फॉर इस्तेमाल होगा ठीक हो गया जी आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई जान के मैंने बीच में कहीं गलत भी मिला के दिखाएं ताकि आपको आपके जेहन में नहीं भी ये तो गलत है अपने आप को क्वेश्चन करने के लिए तैयार रखा करें ठीक है जी अल्लाह हाफिज़ टेक केयर